छोटे छोटे बच्चे जो ना ये देखो अभी नए बच्चे निकले छोटे छोटे ये देखो माशाल्लाह वो भी कह रहे हैं जो ना हाथ में जो ना के दाना दो ये रहा हाँ जी छोटे छोटे बेबी सारे छोटे छोटे देखो माशाल्लाह ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह अरे माशाल्लाह ये भाई ये कैसे कर रहे हैं ये देखो छोटा सा बेटा ये देखो मम्मी ये देखो ये भी बेटा छोटा सा हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि छत के ऊपर जो ना रैपिड कैसे रखे जाते हैं। तो मैंने अपनी छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर जो ना रैपिड पाले हुए हैं, वो आप लोगों को विज़िट कराने लगा हूँ। वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, उनका घर कैसे बनाया जाता है, उनका रहन सहन कैसा है, ये सब आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि जो ना ये मैंने जो ना एक छोटा सा ये जाली लगाई हुई है, ये देखें आप, ठीक है। ये बाहर धूप है इसीलिए जो ना रोशनी थोड़ी सी फैल रही है। ये आगे मैंने जो ना अभी सर्दी आ रही है, इसकी वजह से जो ना आगे मैंने इनको ये जो ना लगाया हुआ है कपड़ा। तो ये मैंने एक छोटा सा सेट बनाया है, ये देखिए माशाल्लाह। और ये ऊपर छत बनाई हुई है मैंने, क्योंकि बारिश वगैरह होना, बारिश वगैरह की वजह से ना पानी ना अंदर आए, ये बनाया हुआ सेटअप। और ये मैंने ये इनका घर भी बनाया हुआ, ये देखिए दोस्तों, ये देखें, ये मैंने इनके ना यहाँ से लेके ना सुरंग बनाई हुई है यहाँ तक, ये देखें वो सामने, ये सारी मैंने सुरंग बनाई हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये देखो, इन्होंने यहाँ पे खुद ब खुद ही ये एक सुरंग तो बना ली है, लेकिन ये ठीक नहीं है, इसको ना साफ करना पड़ेगा। ये देखो, ये माशाल्लाह ये मेरे रैबिट है जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी ये देखो, आ जाओ भाई, माशाल्लाह ये सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त है, मेरे हैंड पे हाथ पे जो ना दाना वगैरह खाना वगैरह खाते हैं। अभी इन्होंने ये ना बहुत जो ना इनके रूम में कचरा और इन्हें जो ना बहुत गंद बिखरा पड़ा है, ये अभी मैं पहले सफाई करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को सारा इसका विजिट कराऊंगा, ठीक है। तो जी दोस्तों, अभी मैंने जो ना सारे जो ना केज की जो ना सफाई कर दी है, ये देखिए मैंने जो ना सारा पानी का छिड़काव करके जो ना सफाई करके ना, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया है। इनकी केयर तो करनी पड़ती है ना, जाहिर बात है, जहाँ पे परिंदे रखेंगे तो उनकी सफाई भी करनी पड़ती है। ये देखो माशाल्लाह, अभी जो है रैबिट, माशाल्लाह जितने भी रैबिट है ना मेरे सार यही गंदा है। तो ये देखो माशाल्लाह, यहाँ से मैंने जो ना ऐसे इनकी सुरंग बनाई हुई है, इस तरफ लगे ऐसे ऐसे तोड़ यहाँ तक, एक दरवाज़ा यहाँ पे रखा हुआ है, तो दो दरवाजे ये रखे हुए हैं। और ये छोटे छोटे मैंने जो ना, ये देखिए, ये तो बस मैंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, दो इंच से जो ना जहाँ पे जो आराम से जो ना बैठ सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ना ये एक सुरंग है मुकम्मल, इसका दरवाज़ा है, और एक सुरंग ये है, इसका भी जो ना मुकम्मल दरवाज़ा है, ठीक है। ये देखिए, ये भी सुरंग है मुकम्मल तौर पर, और ये छोटे छोटे, और ये एक सुरंग ये है, ये देखो आगे से ये इस तरफ को और इस दोनों तरफ को जो है, ये देखो रोशनी आ रही है, और एक सुरंग ये है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से आगे जो है चली जाती है। और एक सुरंग मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इसका दरवाज़ा मैंने ऊपर रखा हुआ है, ये देखें यहाँ से इस तरफ को भी जाती है और इस तरफ को भी जाती है। तो ये है इनका मुकम्मल सेटअप, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो ना आप देख सकते हैं, ये इसका मुकम्मल सेटअप है इनका। तो ये ऊपर मैंने जो ना छत डाली हुई है कि बारिश वगैरह हो तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो पानी की, मैं पानी ना अंदर आए। तो ये मैंने एक दरवाज़ा लगाया हुआ, और साहब ने मैंने ये जाली लगाई हुई है, देखिए ये जाली लगाई हुई है, बाहर जाके मैं आप लोगों को सारा सेट दिखाऊंगा, ये जाली लगाई हुई है। जी दोस्तों, मैं जो ना अभी बाहर गया था खेतों में, ये इनके लिए अपने ना रैबिट के लिए लेके आया हूँ चारा, देखिए ये देखिए। अभी मैं अपने रैपर को छोड़ूंगा, ये देखो माशाल्लाह कैसे जो ना चारे की ये लपक रहे हैं, ये इनका मैंने रास्ता रखा हुआ यहाँ से, ये देखो अभी आएंगे ये सारे के सारे बाहर आएंगे और आके चारा खाएंगे, ये देखो वो देखो माशाल्लाह आना शुरू हो गया, ये सारे के सारे आएंगे।
ये देखो माशाल्लाह जो ना सारे जो ना हरे, बट अभी वो बच्चे अंदर आ छोटे हैं, वो भी आना शुरू हो गए बाहर को। देखो ये देखो, तो ये दोस्तों मैंने जो ना इनका जो ना सारा सेटअप बनाया हुआ, यहाँ से ये देखें ऊपर छत बनाई हुई है और नीचे जो है ये दरवाज़ा रखा हुआ मैंने इनके अंदर कमरे में जाने के लिए, सफाई वगैरह करने के लिए। और ये मैंने सारा जो ना इनका जो है जाली लगाई हुई है अंदर से, और ये पूरी छत में इस तरह जो ना घूमते रहते हैं ये सारे। अभी मैंने इनको चारा डाला, ये देखो माशाल्लाह जो है अभी आके चारा खाना शुरू कर दिया इन्होंने, ये देखें। तो अभी मैं आप लोगों के लिए बाहर आ गए हैं, उस सराख से बाहर आ गए हैं ये। अभी मैं अंदर जाके आप लोगों को इनका सारा सेटअप दिखाता हूँ, सारा सेटअप बाहर से। तो अभी मैं ये देखो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं इधर आऊँ अंदर जा रहा हूँ, मैं इनको दाना डालने लगा हूँ अपने रैबिट को, ये देखना। आओ भी इधर आओ, ये देखो माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह, यहाँ भी इन्होंने ब्रीडिंग भी की हुई है, यहाँ पे ये बच्चे भी इन्होंने निकाले हुए हैं। और ये सारे बच्चे जो ना इस खरगोशनी के, जो वाइट खरगोशनी बैठी है ना, ये मैं सिर्फ एक मादी लेके आया था, और मादी जैसे मैं लेके आया था मैंने कहा चलो जो है नर बाद में ले लूँगा, लेकिन मादी जैसे ही आई है तो 3 दिन बाद इसने जो ना बच्चे दे दिए। तो माशाल्लाह ये सारे पहले भी बच्चे इसके हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, अभी ये इसने छोटे छोटे और बच्चे निकालेंगे, देखो माशाल्लाह मेरा वही देखो ये वाला, इसने छोटे छोटे बच्चे और निकाले, ये देखो माशाल्लाह। तो ये था जी मेरे रैपिड का सारा सेटअप छत के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और मेरा जो ना सेटअप जो है ना, अगर आप लोगों को खरगोशों का सेटअप सारा पसंद आए तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और जो चैनल में नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।